गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा एज वी नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड आर लेसन नंबर 10, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस चैप्टर। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेम ऑफ योर लेसन 10, चंद्रशेखर आजाद। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड हियर, लिसन वेरी केयरफुली एंड सी द आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन हियर, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद, what was his favorite hindi couplet? So very easy question, now listen the answer. Chandrasekhar Azad was popularly known as Azad, full stop. His favorite hindi couplet was dushman ki goliyon ka samna, dushman ki goliyon ka hum samna karenge, azad hi rahe hain azad hi rahenge। डू वन थिंग बेटा, यहाँ पे दुश्मन की स्पेलिंग यू हैव टू एड वन एच, बाय मिस्टेक आई फॉरगॉट हियर टू राइट। द स्पेलिंग ऑफ दुश्मन इज वॉट, डी यू एस एच एम ए एन। ओके, लिसन वंस अगेन, चंद्रशेखर आजाद वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद, हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वॉज दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। Now listen the question number second, when and where was Chandrasekhar born? Okay, when and where was Chandrasekhar born? Now listen the answer, he was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh। यानी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो भावरा नामक विलेज में हुआ था, जो मैं आप लोग को चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो झबुआ नामक डिस्ट्रिक्ट में था। एंड इट वॉज लोकेटेड इन वॉट, इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश, MP। नाउ लिसन द क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द मूवमेंट फॉर विच चंद्रशेखर वॉज अरेस्टेड, यानी कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, नाउ लिसन द आंसर, ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही ज्वाइंड द नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नाउ लिसन द क्वेश्चन नंबर 4, What did the magistrate do when he was provoked by Azad? Provoked means you know very well, क्या होता है provoked, मतलब उकसाना किसी को, किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, when आपको पता है कि जब उसे मजिस्ट्रेट पूछ रहा था तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने किसी का भी सीधा आंसर नहीं दिया था, आपको पता है स्टोरी में मैं बता चुकी हूँ। एंड दैट इज वाई मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ जाता है, तो वही इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि मजिस्ट्रेट को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। ओके, सो नाउ लिसन द आंसर, व्हेन द मजिस्ट्रेट वॉज प्रोवोक्ड बाय आजाद, ही सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेस। लैसेस मीन्स व्हाट, कोड़े। तो उन्होंने तुरंत ही क्या आदेश दिया कि आजाद को जो है 15 कोड़े लगाए जाए, ही गेव पनिशमेंट। ओके, नाउ ई क्वेश्चन इज, Why did British police want to capture Chandrasekhar Azad? So, E number question is here. Now see the answer. The British police wanted to capture Chandrasekhar Azad because he played a key role in the Kakori case. Okay? A key role means what? Important role. You know very well what is the meaning of Kakori case. ठीक है, खजाना लूट लिया था चोरी चोरा नामक स्थान पे। ठीक है, वो आप अपने SST टीचर से पूछिएगा, पूरी स्टोरी बताएंगे, बड़ा मजा आएगा सुनने में, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जस्ट आस्क योर SST टीचर टू डिस्क्राइब इट। नाउ लिसन हियर क्वेश्चन नंबर F, व्हाट वॉज आजाद प्लेज, हाउ डिड ही कीप इट। नाउ लिसन द आंसर, Azad's pledge was that he would not be caught, C-A-U-G-H-T. Caught is the second form of catch, C-A-T-C-H. Catch is the first form and the caught is what, the second form. Uh,
Azad's place was that he would not be caught alive by police, that means British police. Finding himself surrounded by the police at Alfred Park in Allahabad, comma, he shot dead, S-H-O-T, shot himself. Listen once again. Azad's place was that he would not be caught alive by British police. Finding himself surrounded by the police at Alfred Park in Allahabad, comma, he shot himself because he was betrayed by an informer. He was cheated by one of his close friend, and his friend, as I already explained in the story, and his friend just gave information to police, and that is why police arrived and he surrounded Chandrasekhar Azad. But you have to write these lines only, whatever I have written in this answer. आपको वही लिखना है जो मैंने आंसर में लिखा है, और अगर आप लिखना चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं. Okay, now listen after that. Thus he kept, thus means in this way, इस तरह से. Thus he kept his place of not being caught alive, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मुझे जिंदा कभी भी पुलिस नहीं पकड़ सकती है. And in this way, he kept his promise, his place of not being caught alive. Okay, in this way we have finished all the question and answer. Now we have also word power, in which we have to match. Some match questions are here, matching questions are given here. Now let me open the page. Here is, see the instruction, match the words given in column A with their meaning in column B. Okay, so B, in the right hand side the meaning is given, okay, and in left hand side words has been given. So you have to match with their meanings. Suppose that the first one is what? Clutch. What is the meaning of clutch? Here, to take hold of something tightly. Okay, किसी को जकड़ लेना, अपने कब्जे में कर लेना. Now here is what? Disguised. Disguised means what? To hide one's identity. You know Hanumanji temple story, already I taught you. Now here is what? Escaped. Escaped means what? To get free from something. Now here is what? Provoked, that I also made you understand. Provoked means what? Move a person to action. Kisi ko uksana. Now here is what? Mentor. Mentor means what? Trusted advisor. Ek tarah se guru keh sakte hain, lekin jis pe aap bahut zyada trust karte hain aur usse aap hamesha kisi cheez ke liye salah lete hain, then for that trusted advisor ke liye ek word use hota hai, and that word is what? Mentor. In this way we have finished this match the following question. But in your fair copy, aapko apni fair copy mein aise cross zigzag nahi karni hai. Aapko kya karna hai? Clutch is written here, aur iska jo bhi correct answer hai uske just samne dash deke likhenge. Suppose that clutch ka hame answer likhna hai, we will write clutch and then we will give one dash. After that we will write here what? To take hold for of something tightly. Similarly, disguised we will write, and just we will put one dash in front of disguised, and then we will write to hide one's identity. In this way we have finished this one. Now the next one. Next is also given, only two questions are left here. Change the verb given in the box into past indefinite form and complete the sentences. Okay, some previous question has been given and the words are also given here. Disconnect, shock, injure, run, fight. You have to fill in the blanks by using what? Past indefinite form. So now listen. Shilpa was shocked. Shock is the first form. And second form, that is past indefinite form, you have to write. The shocked, S-H-O-K-E-D. Shocked, Shilpa was shocked and frightened after the accident. Now listen the next one. Vinit fell and dashed himself. Here injured word is given, you have to write past form. So injured. Vinit fell and injured himself. The next one. The water
सप्लाई वॉज डैश ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से क्या हो गया, वाटर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया गया. सो हियर डिस्कनेक्ट वर्ड इज गिवन ऑलरेडी, यू हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो हियर इज व्हाट डिस्कनेक्टेड, ओनली यू हैव टू ऐड हियर ईडी. नाउ द रैट डैश एज सून एज इट सॉ द कैट, जैसे ही रैट ने कैट को देखा वो भाग गया. सो रन इज गिवेन हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू हैव टू राइट हियर पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म. सो रन रैन रन, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर डैश ब्रेवली इन द बैटल, बहुत ही बहादुरी के साथ कौन लड़े, सोल्जर. तो लड़ना का क्या इंग्लिश होता है, फाइट. हियर फाइट इज ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू यूज व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म. सो फाइट फॉट फॉट, ओके. सो हियर इज व्हाट, द सोल्जर फाउट ब्रेवली, FOUGHT, फाउट ब्रेवली इन द बैटल. नाउ लिसन द नेक्स्ट वन, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग. वन इज डन फॉर यू, seen, have you ever seen the sunset at Mount Abu. Again there is seen given, but the spelling is different, okay. The scene of the sunset of Mount Abu is marvelous. अब देखिए यहाँ पे दो सीन दिया गया है, ठीक है, लेकिन दोनों का pronunciation तो एक है, लेकिन दोनों की spelling भी अलग है और meaning भी अलग है. एक scene का मतलब क्या होता है, देखना, और दूसरा यहाँ पे scene का मतलब क्या होता है, दृश्य, नजारा. So a pair of words whose pronunciation is same, okay, जिसका वैसे कोई शब्दों का जोड़ा जिसका pronunciation लगभग एक जैसा हो और हमें लगता है कि वो एक ही है, लेकिन नहीं, उसकी spelling different होती है और इसका meaning भी different होता है. Those pair of words are known as what? Homophones. Got it? अब देखिए आपने क्या करना है, you have to make a sentence with the help of these words, okay? To bring out the difference in their meaning. और आपको इस तरह से उसका सेंटेंस बनाना है कि उसका मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए. लाइक हियर यू नो SUN एंड SON. अब SON कौन होता है आप बता कर लो, SUN क्या होता है इस पर आपको बनाना है. सन का मतलब क्या होता है बताओ, SUN सूरज होता है, तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सिमिलरली आपको SON का बताना है, ठीक है. Now the next one, new, you know very well, N-E-U, new means naya, K-N-E, new, new means what? Second form of what? No, matlab janana hota hai, no matlab, aur uska hi second form hai. Now here is what? The C part, hair and hair. Hair ek to aapka baal ho gaya, aur dusra kaun sa hair, ek matlab kya ho gaya? Hair means rabbit, a small rabbit, khargosh, okay? Baby khargosh. Now here is what? See and she, see and see. Here is what? See, see मतलब क्या होता है, देखना. और S-E-S-E-A, see means क्या होता है, समुद्र. तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेंटेंस बनाना है सो दैट इट्स मीनिंग शुड बी क्लियर, और ये भी पता चले कि इसके शब्दों के मीनिंग में भी अलग अलग डिफरेंस है, ओके. सो ये आपको खुद ही करना है. सो आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड एंड इट इज योर होमवर्क टू डू इट. Okay? Thank you so much.